तीसरे T20 के लिए जॉर्ज टाउन पहुंचते ही टीम इंडिया को मिली शानदार 3 बड़ी खुशखबरियां। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। उससे पहले टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी। टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने पहला मुकाबला यहां पर दोस्तों 1 इनिंग और 141 रनों से जीता था। वनडे सीरीज को भी भारतीय टीम ने 2-1 से जीता, लेकिन T20 सीरीज की शुरुआत भारतीय टीम के लिए अच्छी नहीं हुई। पहला मुकाबला टीम इंडिया 5 विकेट से हार गई और दूसरा मुकाबला यहां पर दोस्तों टीम इंडिया को यहां पर बहुत ही बुरी तरीके से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज की टीम पहला मुकाबला 4 रनों से जीती और दूसरा मुकाबला तो 2 विकेट से उसने अपने नाम कर लिया। ऐसे में दोस्तों अब भारतीय टीम तीसरे मुकाबले के लिए तैयार है। 8 अगस्त को तीसरा मुकाबला गुयाना में खेला जाएगा। इसके लिए टीम इंडिया हर भरकस प्रयास करना चाह रही है और टीम इंडिया चाह रही है कि कम से कम 8 अगस्त वाले मुकाबले को आसानी से जीत लिया जाए। इसके लिए भारतीय टीम ने यहां पर तैयारी भी कर ली और भारतीय टीम को यहां पर दोस्तों 3-3 बड़ी खुशखबरियां मिली है। कौन कौन से आइए उन पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है वो यहां पर दोस्तों तिलक वर्मा का फॉर्म में आना। तिलक वर्मा ने जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की वो अपने आप में कमाल है। तिलक वर्मा ने पिछले मुकाबले में 8 दशक जड़ा और उससे पहले मुकाबले में भी उन्होंने काफी अच्छा खेल दिखाया था। 2 मैचों में तिलक वर्मा 90 रन स्कोर कर चुके हैं 45 की ओवर से और 142 के स्ट्राइक रेट से, जो दिखाता है कि टीम इंडिया काफी अच्छे यहां पर फॉर्म में चल रहे हैं तिलक वर्मा। वहीं अगली खुशखबरी निकल कर आ रही है ईशान किशन के लिए। ईशान किशन ने फाइनली टीम इंडिया के लिए स्कोर करना स्टार्ट कर दिया। ईशान किशन का खराब फॉर्म अब खत्म होता नजर आ रहा है। इस T20 सीरीज में ईशान किशन ने स्कोर किया है पिछले मुकाबले में थोड़ा बहुत, उससे पहले टेस्ट और वनडे सीरीज में उन्होंने बहुत सारे स्कोर करे थे। वहीं तीसरी खुशखबरी निकल कर आ रही है दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजी लाइनअप से। दरअसल दोस्तों हार्दिक पांड्या भी पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुके हैं। 4 ओवर में 35 रन देकर उन्होंने 3 विकेट चटका कर यह बता दिया है कि उनकी फॉर्म आ चुकी है। अब आपकी इस पर क्या राय है, क्या इसके दम पर भारतीय टीम यहां पर इस T20 सीरीज को जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।